तो देखिए हमने इस तरह से सीट ले लिए, A4 सीट है, जैसे इसमें कट कर हम चार कागज निकालेंगे और इसमें से एक और निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, छठा पांचवा, टोटल 5 पीसेस कागज चाहिए हमको, और वो भी स्क्वायर में। और ये हमने 2 पीसेस कट कर लिए, इसको भी स्क्वायर बनाना है और इसके लॉन्ग छोड़ देना है डंडा के लिए, ठीक है। तो हम करते हैं इसको साइड, और कागज का आपको काटना दिखाएंगे कैसे हम A4 कागज से स्क्वायर बनाते हैं, आपको दिखाएंगे। तो हमने पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, तो हमने सारे को स्क्वायर में कट कर लिए, 5 पीसेस लिया, 1 2 3 4 5, और ये भी, ये छठा वाला ये और कलर का है पत्ते के लिए। तो इसको हम करते हैं साइड, इन सबको करते हैं साइड, और एक को, सबका एक ही मेथड है आपको दिखाएंगे, और पत्ता वाला थोड़ा सा अलग है वो लास्ट में दिखाएंगे। तो सबको जो आपने स्पॉट पड़ा है ना, उसी स्पॉट पे ऐसे मोड़ना है, ठीक है। फिर ये दोनों को पकड़कर इस तरफ लेकर आना है, और इस तरह से इसको भी मोड़ना है, बिल्कुल इसी तरह से। फिर इसको और एक बार करना है, और ये इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 3, तीन हिस्सों में बट गए। अभी इसको बंटवाने के बाद देखिए, यहां से हम कट करेंगे और ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बड़ा रखने के लिए पहले हम पोंछ देते हैं इरेजर से, इरेजर की मदद से हमने ये हटा दिया। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, और यहाँ से होता हुआ हमको यहाँ ऐसे कट करना है, ठीक है। तो हम कट कर लेते हैं इसको ऐसे, और ये हमने कट कर लिए, थोड़ा सा यहाँ भी कट कर लेते हैं। और इसको जब हम पहले तो एक बात, ये जो थोड़ा अब धीरे, इसको थोड़ा कट करना पड़ता है, तो इसको ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, और अब यहाँ भी कट कर सकते हैं, बाद में हम देख लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से, अब इस तरह से आपको सबको बना लेना है, मैं बनाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हमने 5 पीसेस कट कर लिए, 5 टोटल। अभी एक को पकड़ेंगे, और इसका किसी भी जगह से आप पकड़ सकते हैं, और इसका एक हिस्सा हम थोड़ा यहाँ तक कट करेंगे, और यहीं से एक को ऐसे कैच से बनाकर इसको कट करेंगे, ठीक है। और ये इधर का हुआ, बीच तक लेकर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इसको ऐसे थोड़ा सा दबा कर मोड़ लेंगे, एक कट हो गया। अभी दूसरे वाले को वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे हिस्सा का, और पछवा वाला, पछवा 3 पीसेस हम छोड़ देंगे, मतलब के करीब 1 2 3, तो हम 3 छोड़ देंगे, और यहाँ बीच में लेकर रख देंगे 1 2 3 3, और तीनों को
ये हो गया ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, ये इसका देख सकते हैं सबका एक एक हिस्सा और लास्ट वाले का थोड़ा ज्यादा हमने कट दिया, ठीक है, तीन ही पीसेस, थ्री पीसेस हमने कट कर दिए ये इसका। तो ये सब इस तरह से हो गया। अभी पहले नंबर को उठाएंगे और पहले नंबर को उठाने के बाद आपको क्या करना है, पहले नंबर को उठाएंगे और यहाँ ऐसे और पेंसिल की चिपकाएंगे। मदद से हम इन सबको थोड़ा सा इस तरह करके कुछ शेप दे देंगे, पहले भी हमने बना के दिखाया है। ये इस तरह करके सबके साथ ये हो गया, सबको सब इस तरह करके पहले मोड़ लेंगे और इसको ऐसे चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए हम टाइम लेगा तो हमको ग्लू गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ लगवा दिए इस तरह से, देख सकते हैं अच्छे से ये लग गया। अभी दूसरे को भी वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पहले सबको इसी तरह से घुमा लेंगे और सबको चिपकाएंगे। लास्ट वाला आता है, इसको देखिए, इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल कर लेंगे, ये फटक से जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम पीछे की तरफ थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं और इसको ऐसे करके अगर हम बिठा देंगे तो ये चिपक जाएगा। और एक चीज़ हमने अपने ध्यान नहीं दिए, हमने ध्यान नहीं दिए आपको कर लेना है, ये जो ये थोड़ा मतलब के इस तरह से पकड़ कर पेंसिल की मदद से करेंगे तो आसानी होगा, ये हमने नहीं किए, ये आपको कर लेना है। और देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसका जो बीज ना इसको ऐसे मोड़ देना है, ठीक है, यहीं से ही खेल शुरू होता है। इसको हाथों की मदद से ऐसे पकड़ना है और ऊपर हिस्से को ऐसे मोड़ देना है सबका, ठीक है, यहीं से ही खेल थोड़ा सा अलग यहीं से ही बन जाता है। और यकीन मानिए हम जब लगा के उठेंगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहीं ऐसे हाथों की मदद से ऐसे मोड़ दिया, बीच में लीजिए हाथ और अपने हिसाब से, अपने हिसाब से ये हमने मोड़ दिया। इस तरह से सबको मोड़ लेना है, ठीक है, हम सबको मोड़ लेते हैं, सबको फिर हमने आपको कर लिया। दिखाएं। अभी इन दोनों को साइड में करते हैं और इन सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए पहले हम यहाँ ग्लू देंगे, जैसे कि इसको उठाते हैं और इसको ये लगाया ग्लू और इसको हम यहाँ पर दबा देते हैं, ये हो गया। अभी यहाँ ग्लू लगाते हैं, ये लगा दिया ग्लू, को घुमाते हैं और इसकी मदद से हम मदद लेंगे अंदर जाने में। ये हमने इसको भी दबा दिया अच्छे से, अभी गर्म है, ठीक है, अभी यहाँ ग्लू और डालेंगे, इसको भी ये लग गया। अभी इसको भी हम
लगा दिए यहाँ, और ये हमने और एक यहाँ, ठीक है। और थोड़ा सा ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आया होगा, अभी आपको इस तरह से दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप सामने से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सूखने के लिए टाइम दे देंगे, क्योंकि ग्लू बहुत गर्म हो गया, इसलिए हम सूखने के लिए थोड़ा टाइम दे पहले देंगे। तो इसको चौकान बनाते हैं, मतलब के ये इस तरह से उठाया पत्ता बनाने के लिए, और इसको ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक है, सिंपल। और इस दोनों कोनों को पकड़कर इस तरह से, और यहाँ से हम कट करेंगे। ये हो गया। अभी यहाँ से कुछ अगर चाहिए तो आप कुछ कट फट लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली भी उसको छोड़ सकते हैं। और आप इस तरफ से कट लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा, मैंने गलती से उस तरफ से लगा दिया। अब इसको हम खोलेंगे, ये खुला हो गया। अभी इसको उलटते हैं और यहाँ हम चिपकाएंगे। तो पहले जो मैंने दिखाया था वो, उसमें मैं इतना तक किया था, तीसरे स्टेप किया था। अभी जो किया मैंने वही स्टेप थोड़ा सा दो कदम बढ़ा दिया, मतलब कि हमने तीन पत्ता लेकर जोड़ा और दूसरा पत्ता लेकर दो तक किया। आप चाहे तो और एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं वही चीज़। और हमने थोड़ा सा सही करके बिठा दिए, अभी अभी आपको आपके सामने है ये, तो हमने बिठा दिया। अगर ये स्टेप आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने और एक फ्लावर बनाया हुआ है, आप जाकर वो फ्लावर चेक करेंगे तो इसका मॉडल आपको पता चल जाएगा। सिर्फ एक ही काम है, इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे मोड़ देना है बस, और कुछ अलग नहीं, और आप इस तरह से बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, देखते रहिए एम स्कूल। ओके, बाय बाय।